वाजब वाजब जो कुरान चू तो कति सबूत होंगे हम तुझे जाके रहना हम कति सबूत जिन्हें मैंने पता है कि मैं दसिया कति सबूत जी शायद सबूत ना मंगे वाजब जो कुरान चू कति सबूत होंगे लेकिन जनी दलालत होंगे फर्ज दते तो यह फर्क आ जाता है कि दलील मंगता है वाजब फर्ज दलील नहीं मंगता वाजब दलील मंगता है क्योंकि तेन समझा पी गल मुफसर मुहद्दस मुश्तहिद गल समझानी पी डायरेक्ट तुम बराह रात गल समझ नहीं आती किसी समझानी पी आते हैं वाजब हदीसा जिन्हें ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और जनी सबूत ने उन्होंने समझाना पैदा है वो सब वाजब जिमें फर्ज में तर्क करने वाला गुनाह कबीरा है और दायरा इस्लाम में खारिज हो जाता है लेकिन वाजब में तर्क करना गुनाह सगीरा है सगीरा तो मैंने छोटा मगर लगातार अगर ऐसा गुनाह करते रहिए गुनाह सगीरा लगातार करते रहिए तो गुनाह कबीरा बन जाए और वाजब का इनकार करना कुफर नहीं गुमराही फर्ज का इनकार करना कुफर है वाजब का इनकार गुमराही मुस्ताबो काम है जो शरीयत की नज़र पसंदीदा हो शरीयत अच्छा लगे मगर उन्हें ना कीतिया कोई नापसंदीदगी भी ना हो गुनाह भी ना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने काम किया हो लेकिन मुसलसल ना किया हो यानी उस काम को कर लीए तो सवाब है जे ना करिए तो गुनाह भी नहीं वो काम मुस्तहब है जिमें हम तुम्हें हुक्म मिले है कि जिन्हें कुरबानी करनी है वो अपने बाल और नाखून ना कटाओ कुरबानी तक एक मुस्तहब अमल है जो कर लो तो सवाब है ना करो तो गुनाह भी नहीं क्या हुक्म क्यों दिता गया है ये हुजाजे कराम की अमल जोड़ा है उनकी नकल है तो हुजाजे कराम में हुक्म है जोड़े हज कर गए हैं कि तुझे ये काम नहीं करना और ज्यादा सवाब लैंड हुक्म दिता गया कि इस मौले में ना करना और फिर अगर हुक्म दिता गया कि जिन्हें बंद कुरबानी नहीं करनी वो भी अगर ये अमल कर लैन उन्होंने भी सवाब है लेकिन इतने एक नुकते की गल है ये बाल जोड़े थी दस दिन कटवाने नहीं दाड़े नहीं होने ये तो सहाबा मिले तो जो दस दिन तो बाद कुरबानी वाले दिन दाड़ी मनवा देनी हो तो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खत्म करने वाला पा सके तो जो बना दो ये सहाबा मिले जरा पहलू कर रहे हो लेकिन जी दाड़ी रख के कटवाणी तो हो सके नुकते से मुसलमाना गौर करना चाहिए उस सवाब ऐसा अमल है जोड़ा कर लो तो सवाब है ना करो तो गुनाह को नहीं इस अमल में सुनते ज्यादा जा आदिया भी आ कह सकता है उस सवाब केड़े अमल ने मसलन बोलू तो पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेना मस्जिद में दाखिल होने लगे सज्जा पैर दाखिल करना और मस्जिद चो बाहर निकल लग्या बाया पैर जोड़ा है वो बाहर रखना एक मुस्तहब अमल है चार दिन नमाज अदा करनी इशराक की नमाज अदा करनी नफल तहियतुल वुज़ू या तहियतुल मस्जिद या और नवाफल अदा करने ये मुस्तहब अमल है कर लो तो सवाब है ना करो तो गुनाह नहीं लेकिन मुसलमानों कहे कि अगर कोई बंदा मुस्तहब अमल नहीं करता तो उन्हें मलामत ना करो उन्होंने बुरा भला ना आख्या करो क्योंकि ऐसा करना जोड़ा है मुस्तहब अमल में वाजब बना देता है और नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा बदलन के मुतरादा है जोड़ा कि अच्छा अमल नहीं ज्यादा जोड़ा बंदा मुस्तहब अमल नहीं करता उनकी मलामत ना करो अगे आ गया हराम कुरान पाक इन चीज़ों को बचने का हुक्म है और बंदा उन्होंने नहीं बचता वो हराम ने यानी फर्ज का तर्क जोड़ा है वो आराम है
अगे आ गया मकरूह। जिन्हें चीज़ों ने शरीयत ना पसंद किया गया है वह मकरूह ने। मकरूह दियां दो किस्म ने, पहली किस्म है मकरूह तहरीमी, यानी वाजब का तर्क करना जोड़ा वह मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी जोड़ा है हराम के करीब करीब ही होंगे, करीब वाल हराम इन आख्या जाता शरीयत, और इन तो बचना जरूरी है। मकरूह की दूसरी किस्म है मकरूह तंजीही। मकरूह तंजीही आते हैं सुनते मुस्तहिबा या गैर मौकता के खिलाफ वर्दी, इन्हें करन नाल गुनाह तो नहीं होता लेकिन इन्हें तो भी बचना ही चाहिए, इन्हें भी शरीयत ने ना पसंद किया है लेकिन ये कीत्या गुनाह नहीं होता। अगे आ गया मुबाह। मुबाह वो काम है जिहड़ा कर लईए या छड्ड दईए, दोवें इक्को गल ही, ना उन्हें करिया कोई सवाब है तो ना उन्हें छड्डिया कोई गुनाह है। ऐसे अमल वाले ने शरीयत दे मुबाह। अगे आ गया कुरबानी का तसव्वुर, जिहड़ा मुबारक महीना है और सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत अदा की जानी है। कुरबानी का हकीकी तसव्वुर के इस्लाम है, सारा साल इतनी गोश्त ज़िबा करते हो खाते हो लेकिन ये जिहड़ा इस दिन किया जाता है इन्दे और कुरबानी की फर्क है, तो बहुत अहम नुकता है। कुरबानी का गोश्त जिंदे के करके और गोश्त तीन हिस्से कर हुक्म है, पहले जी तरजीह एक हिस्सा अपना एक पेशा का और एक दरवेशा का, लेकिन अगे शरीयत ने आख्या कि अगर थोड़ा अपना ही खानदान बड़ा बड़ा है तुम्हें अपना हिस्सा थोड़ा कम हों पे मेहमान वगैरह भी आए थे तो तुम जो दरवेशा का हिस्सा है वो उठा दो, दो हिस्से अपने घर लो एक केशा का घर, फिर भी अगर नहीं पूरा फिर केशा का भी उठा दो, सारा कोर्स ही आप रख दो। लेकिन ये बड़ा खानदान या उन्हें अपराध होने की जरूरत इसके छेगी, यानी साबित यह होया कि कुरबानी करने का मकसद बोझ तकसीम करना नहीं, यानी तुझे आप ही कुरबानी की थी तो हुक्म है भी आप भी सारा रख लो, फिर कुरबानी कैसे दी हो। बुखारी शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक साल कुरबानी हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हुक्म दिया कि खबरदार कोई बंदा तीनों दिनों के बाद कुरबानी का बोझ ना कर रखे। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी की थी, अगले साल फिर सहाबा ने समझा कि वही हुक्म है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ऐसा ऐसा नहीं करना, आपने फरमाया कुलू पता करो, अब गोब खाओ और बचाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रात के खाओ भी और बचाओ भी। इस हदीस की सिख और सुनत के तहत जोड़े लोग इन्नी इन्नी देर गोश्त रखते हैं चीजा च और उलामा कराम उन्होंने मना नहीं करते, वो इस हदीस के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ तिना दिन हद उड़ा दी गई, क्योंकि पिछले साल कैद साली थी बादशाह ने रुपया लोगों को खाने से ज़्यादा खुराक नहीं थी, इस वजह से हुक्म दिता गया था क्योंकि गरीब मुसाकिन फुकरा रह ना जान, लेकिन इस साल खुशहाली बादशाहियाँ ने हर पास खुशहाली है इस वास्ते हुक्म उठा दिता गया है, हूँ तुम खाओ भी कुलू पता करो खाओ भी और पचा के मिलो। कुरबानी तुम्हें की जो इतनी होती है मिसाल ले लो, आप भी खाता रिश्तेदार ने खवाया बेलियाँ सजना गोरा बाप साग इन सारे तो लिखवाया बचा के भी रख लिया, फिर कुरबानी की सोचो अल्लाह ताला ने थोड़े गोश्त की आदत है जरूरत है जरा खून है तो अल्लाह ताला ने पहुंचता है जरा बक इना ताना नाल खून दिखता कुरबानी से जान वाला तो भी जमीन पर बह जाता है, गोश्त थोड़े अल्लाह ताला के मखलूकात में 18,000 उन्हें जो
तो फिर मखलूकात के पेट ज़्यादा जाता है यानी इंसान ने बाकी तो भी बड़िया हर शह अल्लाह तला कि ना कि मखलूक के पेट जाती अल्लाह तला को जा पढ़ती है फिर अल्लाह तला को पढ़ता है जिबा कर वक्त जो तुझे नीयत की थी कि अल्लाह तला मैं तेरे रजा कुछ दूजे आते जानवर जिबा कर रहा सिर्फ वो नीयत और तुम्हारा खलूस और तकवा जोड़ा वो अल्लाह तला को पहुंचता है इस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बहुत ज़्यादा शरफ दिता है और नीयतां दा तकवा यानी इखलासे नीयत उनकी वजह से अल्लाह तला ने कुरबानी बनाई है और तकवा ये खास कर तकवा कुरबानी देने वाला इन्नी जल्दी अल्लाह तला को पहुँचता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपना जानवर ज़िबा करते हो हाली छुरी चलती है और जानवर के खून का पहला कतरा जमीन से नहीं टिका होता और अल्लाह तला दे कलास की जी रफ्तार है तकवे की उनका अंदाजा आप कर लो कि कि नहीं दे अल्लाह तला ने कुरान पाक में फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की कुरबानी फजीलत फजायल यानी जो बंदा कुरबानी करता है उन्होंने की फजायल हासिल होते हैं फजीलत हैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन जी चंद अहम ने थोड़े सामने पेश की जाएगीदरक शरीफ हदीस नंबर 7600 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने फरमाया फातिमा उठो